नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आदि पुरुष में रावण के लुक पर बवाल मचा हुआ है। सिर्फ रावण ही नहीं बल्कि सीता मैया, राम और लक्ष्मण, यहां तक कि हनुमान का चित्रण जिस तरीके से किया गया है उस पर हिंदू अब आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आखिर लोगों को इस पर परेशानी क्या है? आखिर असलियत में रावण का व्यक्तित्व था कैसा? आखिर असलियत में रावण कैसा दिखता था? देखिए, रामायण की संरचना 31वीं सदी में की गई थी, जिसे वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। वही चित्रण, वही सारे इमेजेस हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। वाल्मीकि ने जो रामायण में लिखा है उसी को सबसे अच्छे से स्क्रीन पर लाने का काम रामानंद सागर ने 1986 में 1986 में अपने रामायण सीरियल के थ्रू किया था। और उसमें जो राम लक्ष्मण सीता का जो जिस तरीके से चित्रण दिखाया गया था वो लोगों के जहन में बसा हुआ है। आदि पुरुष रामायण का अपमान बताया जा रहा है। यहां तक कि आदि पुरुष से लोगों को यह भी दिक्कत है कि आदि पुरुष में रावण का अपमान किया गया है। रावण भले ही दुष्ट थे, पापी था, लेकिन ब्राह्मण था, ये लोगों की दलीलें हैं। सुनिए, जो नाम में आज हम जानेंगे कि आखिर आदि पुरुष को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। फिर दूसरी ओर हम जानेंगे कि आखिर असली में रावण का व्यक्तित्व था कैसा। फिर आगे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि आखिर रामायण कैसी थी, और उसके बाद इस पर तमाम तरीके के अभिनेताओं ने किस तरीके से अपना रिएक्शन दिया है और इस ट्रीजर का कैसा रिव्यू दिया है वो हम जानेंगे। बॉयकॉट, 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 बापरे, इस ट्रेंड ने ट्विटर पर बॉलीवुड की मान लीजिए कि वाट लगा कर रखती है। जैसे ही किसी भी बॉलीवुड की फिल्म का पोस्टर, टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज होता है, सोशल मीडिया की दुनिया में बॉयकॉट का हल्ला शुरू हो जाता है। 3 अक्टूबर ओम राउत की फिल्म और सैफ अली खान, प्रभास, कृति सैनन की फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर, माफ कीजिएगा, टीजर रिलीज हुआ जो लगभग 1.5 मिनट का है। पहले तो लोग कंफ्यूज हुए कि ये कार्टून है या फिर फिल्म। अब ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट आदि पुरुष छा गया है, हैशटैग डिसअपॉइंटिंग आदि पुरुष ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बैन आदि पुरुष ट्रेंड कर रहा है, जिसके साथ लोग बता रहे हैं कि फिल्म के साथ उनको क्या दिक्कत है। आप खुद ही देख लीजिए कि दर्शक निराश हो रहे हैं। निराश आखिर क्यों हो रहे हैं? कुछ हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मूवी के निर्माता निर्देशकों ने फिल्म के ट्रीजर में कुछ दृश्यों में महापंडित रावण, जिसे महापंडित के तौर पर वाल्मीकि ने अपने रामायण में चित्रण किया है, जो ब्राह्मण थे, शिव के सबसे बड़े भक्त थे, जो हमेशा तिलक लगाए रखते थे, पुष्पक पर उन पर सवार होते थे, उनका चित्रण गलत तरीके से किया गया है और तिलक और त्रिपुंड के दिखा उसे नहीं दिखाया गया है। कुछ लोग रावण के बालों को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर रावण को मुगल लुक क्यों दिया गया है, आखिर रावण को इसमें मुगल लुक क्यों दिया गया है, आंखों में सुरमा, स्पाइक भरे बाल, आखिर ये कैसा रावण है, वही पुष्पक की जगह चमगादड़ की सवारी करते हुए नजर आ रहा है, तो कुछ उसके काजल लगाने पर विरोध जता रहे हैं। आइए देखते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू हम जानते हैं कि आखिर रामायण को, आदि पुरुष को लेकर लोगों को क्या दिक्कत है, आदि पुरुष पर आखिर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, आदि पुरुष पर लोग विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं। यह आप देख सकते हैं, आदि पुरुष को लेकर इसीलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है क्योंकि आदि पुरुष में रावण को मुगलों की तरह दिखाया गया है। सैफ का किरदार खिलजी और औरंगजेब की तरह इसमें दिख रहा है, हनुमान जी के किरदार संग भी खेला गया है। देखिए, हनुमान जी के किरदार संग भी यहाँ पर खेल किया गया है। हनुमान जी को लेदर के जैकेट्स इसमें पहनाए गए हैं, हनुमान जी के बाल छोटे रखे गए हैं, हनुमान जी की मूछ नहीं है, दाढ़ी है, जो कि मुगल की तरह प्रतीत होता है। तो इसके लिए लोग इसमें, इस फिल्म को लेकर, आदि पुरुष के ट्रेलर को लेकर काफी ज्यादा खफा है। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे लोगों को इससे क्या दिक्कत है। हनुमान जी को लेदर वाले कपड़े पहनाए गए हैं, राम को खड़ाऊ की जगह लेदर के चप्पल पहनाए गए हैं, सीता की साड़ी पर भी सवाल उठे हैं,
सीता ने जोगनी अवतार भगवा साड़ी, अक्सर सीता राम लक्ष्मण सीता तीनों ही अक्सर भगवा साड़ी भगवा वस्त्र में दिखते थे, लेकिन आदि पुरुष में भगवा कहीं नजर नहीं आ रहा है। रामायण का सही वर्णन ना करने का आरोप लगा है। रावण का पुष्पक विमान चमगादड़ की तरह इसमें दिखाया गया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर रावण का पुष्पक विमान कहाँ है, लोग आदि पुरुष के टीजर पर कमेंट कर ये सवाल कर रहे हैं। अब ट्विटर के कुछ रिव्यूज जान लेते हैं कि लोग किस तरीके से ट्विटर पर, ये देखिए कि लोगों का क्या इसमें कहना है ट्विटर पर, लोग किस तरीके से, देखिए सर्कल किया हुआ है कि राम ने लेदर के चप्पल पहने हैं जबकि राम खड़ाऊ पहनते थे, ये वाल्मीकि के रामायण में ग्रंथों में लिखा गया है। ये देखिए चमगादड़, और दूसरी तरफ रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें पुष्पक विमान, इसका एक लोग दिखा रहे हैं। और तीसरा ये देखिए कि किस तरीके से हर एक किरदार को कंपेयर किया गया है, रामानंद सागर की रामायण जो कि 1986 में आई थी उसको लेकर उससे कंपेयर किया गया है कि वो कैसा था और आखिर ये कैसा है, आखिर ये कैसा खिलवाड़ किया गया है रावण के किरदार को लेकर। रावण का अपमान किया गया है, रावण मुगल नहीं था, आखिर हिंदू किरदार को मुसलमान की तरह यहाँ पर प्रेजेंट क्यों किया गया है, मुगल की तरह क्यों प्रेजेंट किया गया है, खिलजी की तरह क्यों प्रेजेंट किया गया है, ये आपने देखा। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि आखिर असलियत में रावण कैसा था, जिस तरीके से ये देखिए रावण की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, रावण की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि रामानंद सागर की रामायण की कुछ तस्वीर हम देख रहे हैं। सबसे अच्छे से रावण को अगर किसी ने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है तो वो थे अरविंद त्रिवेदी। लोगों के मन में एक इज्जत है इनके किरदार को लेकर, जिस तरीके से इन्होंने बखूबी अपना किरदार निभाया था। अब देखिए ग्राफिक्स के थ्रू जानते हैं कि आखिर रावण कैसा था, रावण का व्यक्तित्व कैसा था। देखिए मेगा बजट की फिल्म आदि पुरुष का टीजर जारी होते ही इस सवाल पर फिर से चर्चा होने लगी है कि रावण का व्यक्तित्व आखिर कैसा था। लोग जानना चाहते हैं कि रावण असलियत में कैसा दिखता था। पुष्पक विमान पर बैठते थे रावण, खड़ाऊ की चप्पल, देखिए रावण का, रावण की अगर बात कर रही हूं मैं यहां पर, तो रौबदार मूछे, गरज भरी आवाज, शिव तांडव की स्तुति, रावण हमेशा तिलक लगाते थे, रावण ब्राह्मण थे, रावण पुष्पक विमान पर सवार होते थे, रावण पुष्पक विमान पर सवार होते थे, और आदि पुरुष में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। देखिए रावण को टीवी स्क्रीन पर जीवंत करने का श्रेय जाता है रामायण सीरियल के निर्माता रामानंद सागर को। रावण की भूमिका में अरविंद त्रिवेदी की रौबदार मूछे, गरज भरी आवाज, शिव तांडव की स्तुति और विशाल काया को देख दर्शकों ने तो यही समझा कि हो ना हो त्रेता युग का रावण ऐसा ही दिखता होगा। किसी को नहीं पता, देखिए हमारे सामने जो चित्रण लाया गया है हम उसी की एग्जांपल्स लेकर चलते हैं कि हाँ राम भगवान ऐसे दिखते होंगे, श्री राम ऐसे दिखते होंगे, लक्ष्मण ऐसे दिखते होंगे, शिव ऐसे दिखते होंगे, लेकिन जिस सुंदरता से इसको पेश किया गया था 1986 में और अब जब खिलवाड़ किया गया है तो लोगों को ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। रावण की छवि 3 दशकों तक दर्शकों के मन में कायम रही, जो छवि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच कई अभिनेताओं ने रावण का रोल निभाया, लेकिन हिंदी पट्टी में रावण के खलनायक चरित्र को प्रकट करने में अरविंद त्रिवेदी ही सबसे ज्यादा सफल रहे। वाल्मीकि उसके गुणों को साफ गोई के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित बताते थे। जी हाँ, वो जब उन्होंने लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी पहली बार रावण को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर इसके अंदर अधर्म नहीं होता, अगर रावण अधर्मी नहीं होता, देखिए हनुमान जी जब पहले रावण को देखते हैं तो हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप सौंदर्य धैर्य कांति तथा अगर ये अधर्मी नहीं होता ना तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। हनुमान जी के मन में सबसे पहले रावण की ये छवि बनी हुई थी, और अब जो मुगल की तरह रावण को दिखाया जा रहा है तो लोगों को इससे ऐतराज है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले विवाद का
पूरा एक विश्लेषण हम एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आदिपुरुष फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज था। लोग इस फिल्म का बेकरारी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म का टीजर सामने आया है तभी से फिल्म विवादों से घिर गई है। टीजर देखने के बाद लोगों की एक्साइटमेंट निराशा में बदल गई है और अब तो फिल्म को लेकर बॉयकॉट ट्रेंड भी शुरू हो गया है। डायरेक्टर ओम राउत की आदिपुरुष 2022 की बड़ी फिल्मों में से एक है। ओम राउत इस फिल्म के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर रामायण की कहानी पेश करने वाले हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म सवालों के घेरे में है। गांधी जयंती के खास मौके पर 2 अक्टूबर को आदिपुरुष का टीजर सामने आते ही लोगों ने सैफ अली खान के रावण के रोल को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। फिल्म में रावण बने सैफ के लुक से लेकर उनके पुष्पक विमान का जमकर मजाक उड़ रहा है। लोगों को सैफ का लुक रावण की तरह कम बल्कि खिलजी जैसा ज्यादा लग रहा है। वहीं राम के किरदार में प्रभास भी फैंस को उतने नहीं जमे जितनी की उम्मीद थी। इसके अलावा फिल्म के खराब VFX को लेकर भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि इस फिल्म में प्रभास और सैफ अली खान के कई सीन्स हॉलीवुड फिल्मों और शोज जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन, एक्वामैन और राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से कॉपी किए गए हैं। कुल मिलाकर आदिपुरुष के टीजर ने फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। लोग टीजर देखकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। जी हां, ट्विटर पर फिल्म को लेकर #boycottadipurush ट्रेंड हो रहा है। एक यूजर ने फिल्म को ट्रोल करते हुए लिखा, केवल लंकेश रावण का ही नहीं हनुमान जी का चित्रण भी बहुत गलत लग रहा है। दाढ़ी और बालों का स्टाइल उन्हें एक इस्लामिक आक्रांता जैसा दिखा रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, रावण के पास यात्रा करने के लिए पुष्पक विमान था, राक्षस का चमगादड़ नहीं। वे राक्षस भी नहीं थे, वे ब्राह्मण और सबसे धार्मिक व्यक्ति थे। बता दें कि फिल्म में प्रभास राम बने, सैफ अली खान रावण का रोल निभा रहे हैं, कृति सेनन सीता के किरदार में दिखेंगी, सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार को पर्दे पर उतारेंगे। लेकिन इन किरदारों में फिल्म की स्टार कास्ट को लोगों ने बुरी तरह नकार दिया है। तो देखा आपने कि इस फिल्म को लेकर आखिर पूरा विवाद क्या है। अब जान लेते हैं कि रामानंद सागर ने जो रामायण का चित्रण किया उस रामायण में आखिर क्या क्या दिखाया गया जिसका लोग इस आदिपुरुष में ना होने का विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के थ्रू आखिर रामानंद सागर की रामायण यानी असली रामायण कैसी थी। असली रामायण हालांकि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी। देखिए, असली रामायण में पुष्पक विमान पर रावण बैठता था, खड़ाव की चप्पल राम और लक्ष्मण पहनते थे जो कि इधर चमड़े की कर दी गई है, लेदर की कर दी गई है। राम लक्ष्मण सीता भगवे में नजर आते थे। आदि पुरुष में आपको कहीं भी भगवा नजर नहीं आएगा। राम का अर्थ भगवा है, आपको आदि पुरुष में कहीं भी राम भगवान का रंग माना जाता है भगवा रंग, लेकिन इस पूरे टीजर में आपको भगवा कहीं नजर नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर दिखाया गया है तो रावण को भी जब वो तप करते हैं तो भगवा पहने हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राम लक्ष्मण सीता भगवे में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सीता की जो साड़ी की कलर है, कृति सेनन सीता का रोल निभा रही है उस पर भी यहाँ पर विवाद है। हनुमान जी लंगोट पहनते थे, लेकिन यहाँ पर लेदर जैकेट हनुमान जी को पहने हुए दिखाया गया है। अब चलिए जानते हैं कि इस फिल्म को लेकर तमाम लोगों की क्या राय है। इस फिल्म को लेकर देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस फिल्म को बैन करने की मांग की है। उन्होंने पत्र भी लिखा है फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से और उन्होंने उन्हें जमकर लताड़ भी लगाई है। साथ ही रामानंद सागर की रामायण में जिसने सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखलिया ने भी इस फिल्म का विरोध किया है, टीजर का विरोध किया है। देखिए, दीपिका को आदिपुरुष का VFX पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि मैंने आदिपुरुष का टीजर देखा, उसे देखकर ये महसूस हुआ कि रामायण की कहानी की जो सच्चाई और सात्विकता की कहानी है अब उसमें VFX को जोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ऐसा मुझे लगता है दीपिका ने हनुमान के किरदार पर भी यहाँ पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि हनुमान लेदर का जैकेट नहीं पहनते थे। साथ ही रामायण हमारी भावना है, इसके किरदारों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदि पुरुष पर लक्ष्मण ने भी आपत्ति जताई है। हालांकि लक्ष्मण ने एक बात जरूर कही है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। सुनील लहिड़ी जिन्होंने रामानंद सागर में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उन्होंने कहा है कि रामायण के किरदारों को लेकर किसी तरह का प्रयोग करना बुराई नहीं है। देखिए, लेकिन लोगों के अंदर जो अब तक की धारणाएं बनी हुई है उसके साथ कोई किसी तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सुनील लहिड़ी ने कहा है कि किसी को नहीं पता कि राम कैसे दिखते थे,
जो चित्रण किया गया है वो लोगों के मन में बसी हुई है और लोगों का वही मानना है कि हाँ राम त्रेता युग में वैसे ही दिखते होंगे, रावण वैसा ही दिखता होगा। लेकिन अब जिस इससे खिलवाड़ किया जा रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। सुनील लहिड़ी ने यह भी कहा कि राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, राम की लुक पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। हर एक फिल्म निर्माता अपने फिल्म में अलग कुछ दिखाना चाहता है, किसी और का कॉपी नहीं करना चाहता है और शायद ओम राउत ने भी ऐसा ही सोचा, इसीलिए इस फिल्म के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है। लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में लोगों की भावनाएं अगर आहत होती है तो ये भी सही नहीं है। अब इस फिल्म के बाद सनातन हिंदू जो है वो काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर हमेशा हिंदू धर्म को ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जाता है, बॉलीवुड की फिल्मों में अन्य धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों नहीं किया जाता है। हिंदुओं का मानना है, हिंदू संगठनों का मानना है कि क्या ऐसा ही खिलवाड़ किसी अन्य धर्म के साथ किया जा सकता है? नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, उनका ये भी कहना है। आपकी इस पर क्या राय है? आप आदि पुरुष के टीजर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कल ठीक 2:30 बजे सुनिए जनाब में मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। और हाँ, आज महाराष्ट्र में ऐतिहासिक रैली है, महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो दहाड़ेंगे तो दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की दहाड़ सुनाई देगी। मेट्रो मुंबई पर पूरे दिन BKC और शिवाजी पार्क से दशहरा रैली की मेगा कवरेज देखना मत भूलिए।